सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने बैंक का यहाँ पे स्विफ्ट कोड को फाइंड करना है। अगर आपको पता हो, स्विफ्ट कोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका यूट्यूब से यहाँ पे पेमेंट आने वाला है। आप जब भी अपना यहाँ पे यूट्यूब पेमेंट मैथड को यहाँ पे ऐड करने जाते हो, सो वहाँ पे आपकी बैंक की सारी डिटेल के साथ साथ आपको वहाँ पे एक स्विफ्ट कोड भी मांगा जाता है। वो स्विफ्ट कोड ना कि आपके यहाँ पे पासबुक में लिखा रहता है, बल्कि आपको यहाँ पे जो भी आपका जिस बैंक के ब्रांच में आपका अकाउंट खुला हुआ है उसके अंदर जाके आपको पता करना होता है कि हमारा स्विफ्ट कोड क्या है। सो बहुत सारे केस में क्या होता है, जो यहाँ पे विलेज एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, सो क्या होता है, वहाँ पे जो ब्रांच रहती है वो यहाँ पे छोटी ब्रांच रहती है, यानी जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब बैंक नहीं करती है। सो कई बार क्या होता है, जो भी क्रिएटर्स का यहाँ पे जब पेमेंट मेथड को ऐड करने आते हैं स्विफ्ट कोड के लिए अपने ब्रांच में आते हैं, सो वहाँ पे क्या पता चलता है कि उनके पास स्विफ्ट कोड है ही नहीं, और बहुत सारे ब्रांच को यहाँ पे स्विफ्ट कोड का मतलब भी नहीं पता होता है। सो ऐसे में आप क्या करोगे, सो ऐसे में आपको यहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा। और कई केस में क्या होता है, वो बैंक ब्रांच आपको कहेगी आपको इस सिटी में जाना है, यहाँ पे हमारे बैंक का ब्रांच का हेड ब्रांच है, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपको वहाँ से स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। अब वो बैंक आपके एरिया से तो बहुत दूर होगा, सो ऐसे में कैसे आप यहाँ पे स्विफ्ट कोड फाइंड कर पाओगे, और बिना स्विफ्ट कोड ऐड किए आपका जो पेमेंट है वो कभी भी बैंक अकाउंट में नहीं आता है। सो ऐसे केस में आपको स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड करना है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और मेरा यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आपको अपने बैंक ब्रांच में ही जाके अपना स्विफ्ट कोड को फाइंड करना है। अगर आपको वहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं मिलता, बैंक आपको स्विफ्ट कोड नहीं बताती है, तब आपको ये वाला मेथड को यूज़ करना है जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर के साथ यही दिक्कत आती कि उनको स्विफ्ट कोड नहीं मिल पाता और वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं, सो स्विफ्ट कोड उनको कहाँ से मिलेगा, सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो आपको स्विफ्ट कोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम पे चले आना है, देन आपको यहाँ पे सर्च करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर, आपको ये सर्च कर लेना है। इसमें से आपको फर्स्ट ही वेबसाइट जो भी आपको मिलेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस पेज का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे ओपन होंगे, उसमें से फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे अपना कंट्री का नेम सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में बैंक नेम को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी बैंक में यहाँ पे आपका अकाउंट है वो बैंक को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो बैंक आप अपने यहाँ पे पेमेंट मेथड में यूज़ करने वाले हो। सो मेरे बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मैं उस बैंक को यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे अपनी सिटी को सिलेक्ट करना है। अब सिटी में क्या करना है, आपको सबसे पहले उसी सिटी को फाइंड करना है जिस सिटी के अंदर आपका बैंक है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन है। अगर आपको वो सिटी यहाँ पे नहीं दिख रहा हो जिसके अंदर आपका अकाउंट ओपन हुआ है, सो आपको अगल बगल के एरिया में जो भी आपकी नज़दीकी सिटी मिलती है उस सिटी को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सो मेरे आसपास में यहाँ पे वापी सिटी पड़ता है, तो मैं वापी का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वापी सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आपको बस एक बार टैप करना है, देन आपको आपका बैंक का ब्रांच जो भी आपने सिटी सिलेक्ट किया था उसका स्विफ्ट कोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्विफ्ट कोड आ गया है, और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे नीचे देखते हो तो आपको उस बैंक ब्रांच की डिटेल्स मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा, और किस सिटी में बैंक यहाँ पे है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिटी में ध्यान से सिलेक्ट करना, अगर आपकी सिटी नहीं शो हो रही है जिसके अंदर आपका बैंक अकाउंट है, सो आपको अगल बगल जो भी आपके नज़दीक में यहाँ पे सिटी है वो सिटी को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। देन आपको यहाँ पे जो भी स्विफ्ट कोड मिल रहा है वो स्विफ्ट कोड आप यूज़ कर सकते हो अपने पेमेंट मेथड के अंदर, और आपका प्रोसेस यहाँ पे डन हो जाएगा। और आपको पेमेंट मेथड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, कैसे यहाँ पे पेमेंट मेथड को पूरा कंप्लीट करना है, वो सब कुछ दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको यहाँ पे स्विफ्ट कोड को फाइंड करना है। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे कॉन्टेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।